बैंगलोर में मंगलवार रात अज्ञात हमलावरों ने वरिष्ठ कन्नड़ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या कर दी। गौरी की पहचान दक्षिणपंथी विचारों के तीव्र आलोचक के रूप में थी। हाल ही में वो बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी के खिलाफ मानहानि का केस हार गई थी। कर्नाटक पुलिस के प्रमुख आर के दत्ता के मुताबिक गौरी को उनके घर बैंगलोर के राजराजेश्वर नगर में गोली मारी गई। हालांकि सीसीटीवी से अब हत्या के अहम सुराग मिल रहे हैं, क्योंकि इसमें तीन संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। काली जैकेट और हेलमेट पहने ये संदिग्ध दिखाई दिए और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 10 फीट की दूरी से इन्होंने गोली चलाई। कातिलों की तलाश में पुलिस की तीन टीम्स को तैनात किया गया है। कल रात की ये वारदात है जिसमें गौरी लंकेश की हत्या की गई। दक्षिणपंथी विचारधारा के आलोचक के तौर पर उनकी पहचान थी, पत्रिका से वो जुड़ी हुई थी। लेकिन बड़ी खबर आज ये भी है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज उनके घर जाएंगे और परिवार से मुलाकात करेंगे। तो ये तीन तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, घर पर उन्हें गोली मारी गई। सीसीटीवी फुटेज से हालांकि संदिग्धों को लेकर सुराग मिल रहा है, तीन संदिग्ध इसमें देखे गए हैं। अब उनकी पहचान करके उन्हें खोज निकालना सबसे बड़ी चुनौती पुलिस की इन तीन टीम्स के पास जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा है। वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की गोली मारकर हत्या, बेंगलोर के घर के बाहर गोली मारकर हत्या, हमलावरों ने ताबड़तोड़ की फायरिंग, मौके पर मौत। खून से लथपथ जमीन पर गिरी वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश का मृत शरीर अब आवाज नहीं उठा सकता। सरकार के खिलाफ उनकी आवाज बंद कर दी गई, विपक्ष के खिलाफ उनकी आवाज मिटा दी गई। समाज में फैली गंदगियों के खिलाफ अब उनकी आवाज नहीं सुनाई देगी। सरेआम बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दी गई वो, उनकी सांसें थम गई। हमलावरों ने बेहद करीब से उन पर 7 राउंड फायर किए। हमला कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में शाम के वक्त हुआ। रात करीब 8:25 हुआ होगा जब गौरी लंकेश अपनी सफेद कार से राजराजेश्वरी नगर स्थित अपने घर पहुंची। कार पार्क कर जैसे ही घर की तरफ बढ़ी, घर के भीतर घुसने से पहले ही गौरी को बरामदे के पास बाइक से आए गुंडों ने घेर लिया। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावरों में से दो ने उन पर ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर दिया। गौरी वहीं ढेर हो गई। हमलावर हाथ झाड़ते मौके से फरार हो गए। कितने लोग आए हैं कि इन्फॉर्मेशन अभी पता नहीं चला है। वो जो फायरिंग जब हुआ उसका जो साउंड आया है, वो साउंड सुनकर आजू बाजू के लोग जो हैं लोग आगे देखे हैं, तो देखे तो गौरी लंकेश जी अपना वो जमीन पे पड़ी हुई पता चला। चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने 7 गोलियों की आवाज सुनी। बाद में पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की। गौरी लंकेश को 3 गोलियां लगी, एक सिर में, दूसरी गर्दन में और तीसरी सीने में। 4 गोलियां पास की दीवार में धस गई। फॉरेंसिक स्क्वाड को भी स्थल पे बुलाया है। अब हम लोग छानबीन, इनिशियल छानबीन में घटना स्थल पर हम लोगों को 4 कारतूस मिले हुए हैं, खाली एम्प्टी कारतूस। उसमें से कितने वो मैडम को लगे हैं ये पोस्टमार्टम के बाद ही हमको पता चलेगा। गौरी लंकेश की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैली। सरकार और पुलिस के सिर पर बल पड़ गया। वारदात की जगह आला अफसर और सूबे के गृह मंत्री पहुंचे। पुलिस की 3 टीम जांच में जुट गई है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूत मिले हैं जिनसे सुराग खंगाले जा रहे हैं। सरकार दावा कर रही है हमला करने वाले किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे। पर सच्चाई यह है कि कत्ल की वारदात के घंटों बाद किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। बेंगलोर पुलिस अंधेरे में ही तीर चला रही है। हमलावर के बारे में कोई सुराग नहीं मिला।
अब उनकी सनसनीखेज हत्या के बाद समर्थक, समाज सेवी और साथी पत्रकारों में गुस्से की लहर दौड़ गई। सबसे अचरज तो ये है कि गौरी लंकेश ने लगातार धमकियां मिलने की बात सार्वजनिक तौर पर की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। अब पुलिस का दावा है कि गौरी लंकेश ने कभी धमकियों के बारे में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। गौरी साप्ताहिक मैगजीन लंकेश पत्रिके की संपादक थी। इसके साथ ही वो अखबारों में कॉलम भी लिखती थी। टीवी न्यूज चैनल डिबेट्स में भी वो एक्टिविस्ट के तौर पर शामिल होती थी। लंकेश के दक्षिणपंथी संगठनों से वैचारिक मतभेद थे। गौरी लंकेश को हिंदुत्ववादी राजनीति का घोर आलोचक माना जाता था। अब सवाल उठता है कि उनकी हत्या के पीछे कौन है? क्या उन्हें धमकियां देने वालों ने ही कत्ल को अंजाम दिया? क्या गौरी लंकेश को अपनी अलग विचारधारा की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी? हालांकि पुलिस अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। बेंगलोर से रोहिणी स्वामी के साथ नोनल पिंटो, आज तक। हालांकि इस मामले में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बेंगलुरु पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी से कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस कमिश्नर टी सुनील कुमार ने कहा कि जल्द ही इस केस को सुलझा लिया जाएगा। उनसे बात की आज तक संवाददाता रोहिणी स्वामी ने। गौरी लंकेश की हत्या एक ऐसी हत्या हुई है जहां पे एक बात बहुत जरूरत जो है वो सीसीटीवी फुटेज मिली है, 5 सेकंड का मिला है। ये अहम क्रूशियल एविडेंस के बारे में हमारे साथ बैंगलोर के पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार जी हैं। हमसे बात के लिए बहुत शुक्रिया। आपके पास अहम एविडेंस है ये 5 सेकंड की, इससे आपको वो आदमी दिखाई दे रहा है, उसमें क्या डिटेल्स हैं आप जो हमें बता सकते हैं? जी, हमारे पास एक फुटेज मिला है ये 5 सेकंड के लिए। जब गौरी लंकेश जी अपना कार से उतर कर घर के अंदर जा रहे थे, एक आदमी जो हेलमेट पहना हुआ वो आदमी इनके ऊपर हमला करता है। हमला करने के बाद ये फुटेज जो है 5 सेकंड का फुटेज हमको मिला है। हमला करने के बाद गौरी लंकेश जी जमीन पर गिर जाती है, तो ये आदमी जो है वो निकल जाता है वहाँ से। ये फुटेज जो है वो अपना चेहरा ढका हुआ हेलमेट से फुटेज मिला है, लेकिन उसका जो हाइट है, वेट है, उसका कुछ फीचर्स हमको मिले हैं। ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के थ्रू हम लोग वी विल डेवलप दिट फुटेज और उसके आगे जो करना है कार्रवाई पुलिस तहकीकात और करेंगे। आप बहुत अहम बात कह रहे हैं कि उनके फिजिकल फीचर्स से आप असेलेंट जो हैं जिन्होंने अटैक किया उनके बारे में बता सकते हैं। क्या सीसीटीवी फुटेज और भी मिले हैं या सिर्फ गौरी के घर पे जो सीसीटीवी है उसी में मिले हैं? नहीं, जो सीसीटीवी अभी जो फुटेज मिले हैं वो गौरी जी का घर में जो गेट को फेस करते हुए जो सीसीटीवी है उसी से मिला है। वहाँ से मेन गेट तक, मतलब मेन रोड तक, जितने भी अदर पब्लिक प्लेसेस में सीसीटीवी फुटेजेस भी, वो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे भी थोड़ा लीड्स मिलेंगे तो हम वो भी कोशिश करेंगे। आइए खबर आपको दिखाते हैं अब लखनऊ से। कल शानदार तरीके से लखनऊ मेट्रो को हरी झंडी दिखाई दी गई, लेकिन आज क्या हुआ वो आप इन तस्वीरों में देखिए। आज पहला दिन जब ट्रेन आम यात्रियों के लिए खुली थी और उन्हें लेकर जा रही थी, लेकिन चलते ही ट्रेन रुक भी गई और इस खबर ने सुर्खियां भी बटोरी। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यात्री यहाँ पर ड्राइवर से बात करते हुए। 8 बजे से पहले स्टार्ट हो जाएगी। अरे सर, 8 बजे स्कूल जाना था, जो बच्चे स्कूल जाना था, कब कैसे जाए? प्रॉब्लम क्या ये बताइए पहले सर। ये वो यात्री जो ट्रेन में फंसे रहे, इस दौरान ड्राइवर से बात करने की कोशिश, समस्या कब सुलझेगी इसको लेकर बात करते हुए। आठ बजे से पहले स्टार्ट हो जाएगी। अरे सर, 8 बजे स्कूल जाना था। चुनौती अब यही कि ट्रेन झंडी तो दिखा दी गई, लेकिन अब सुचारू रूप से चले आगे, इस पर नजर भी सबकी रहेगी। हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।